गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? तो आज छुट्टी का दिन सैटरडे है, आज सैटरडे है, तो आज आपके जीजू और पा दोनों घर पर हैं और मैं सुबह का नाश्ता वगैरह बना के सब कुछ करा चुकी हूँ। मेड काम करके चली गई, तब मैंने ब्लॉग शुरू किया। आज मैंने बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई थी नाश्ते में और मेरा वेज टोस्ट बन रहा है एयर फ्रायर में, साथ में मैं चाय बना रही हूँ अपनी। तो आपके जीजू ने बोला कि मेरी भी बना दो, मम्मी पापा को भी नाश्ता करा चुकी हूँ और पार्थ भी कर चुका है। तो आज जो है, आज पहले तो देखो आप, आज फिर से मेरा हेयर स्टाइल बना हुआ है बहुत दिनों बाद। जिससे मैं बनवा रही थी वो बीमार थी, तो आज मैंने उसको बुलाया बनवाने के लिए। कई लोग मुझसे पहले भी पूछते रहे हैं आप अपना हेयर स्टाइल सिखाओ, तो मैंने दो ये वाले हेयर स्टाइल ब्रेड वाले ट्यूटोरियल डाले हुए हैं प्रियाज ब्यूटी जोन पे, शॉर्ट्स बना के। मैं नहीं बनाती हूँ गाइज, मुझे नहीं आता बनाना, मैं बनवाती हूँ। तो घर के पास एक लड़की है जो बनाती है बहुत अच्छे से, तो वो गई हुई थी, आज आई है, तो मैंने बनवा लिया। और आज मैंने शूट करना है मकबैंग वीडियो, क्योंकि सितंबर मंथ इज़ बर्थडे मंथ ऑफ प्रिया इज़ ब्लॉगिंग एंड प्रिया इज़ एंटरटेनमेंट। सो हैप्पी बर्थडे गाइस। पता नहीं ये सितंबर में आएगा ब्लॉग कि आगे आएगा। दोपहर के लिए मैंने दाल मखनी भिगो रखी है यहाँ पे, तो देखो आप, रात के लिए गोभी आलू है और दाल मखनी मैं भिगो के सोई थी, तो ये दोपहर को बनाऊँगी। छुट्टी का दिन है और वैसे भी सैटरडे है, तो सैटरडे को काली दाल बनाना और काले चने बनाना शुभ होता है, शनिदेव का दिन है। आज खुश हूँ मैं, बड़े दिनों बाद मेरा हेयर स्टाइल हो गया है। ये रहे बॉयस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह बाहर की सैर भी कर रहे हैं, कुछ काम था इनको, दोनों बाप बेटा गाड़ी में होकर आए हैं। बाहर का हाल कैसा है? इट्स फोर्थ डे, कॉन्स्टेंटली इट्स रेनिंग आउटसाइड, लगातार सूरज तो निकला ही नहीं है चार दिन से, मतलब दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ, एकदम उठ के क्यों बैठ गया? कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ मिला? सब जगह। सारे स्विमिंग पूल बने हैं। आज भी पानी तो नहीं भरा था गाड़ी में? गाड़ी के रास्ते में नहीं आया, रास्ते में नहीं आया, तो पास आस पास तो है ही है, मेन रोड से गए थे ना। चाय कट रही है, बस लेकर आ रही हूँ मैं। एक बार ना एक बंदा बाबा के पास जाता, बाबा के पास, बाबा सुखी विवाहित जीवन का कोई राज बता दीजिए। तो कहता है बेटा, जब तक बीवी की बात मानो, जब तक आपका बटुआ खुला और मुंह बंद रहेगा, तो आपका विवाहित जीवन खुशी रहेगा, कृपा बरसती रहेगी। आजकल कहाँ अप्लाई होता है जान, आजकल तो बीवियों का अपना बटुआ होता है, लेकिन बंदे का तो मुंह बंद ही रहता है ना। हाँ, वो बस रहना चाहिए, एक बाबा को खाली तो बोला मुंह बंद रखो। ये सच बताओ, बीवी का बटुआ होने के बाद भी जो सुख बीवी को पति के पैसों से मिलता है वो अपने पैसों से नहीं मिलता। अनडाउटेडली ट्रू, अनडाउटेडली ट्रू। उसका पर्स खुला रहेगा और मुंह बंद रहेगा तो खुशी रहेगा। ये तो है, ये तो है। जो पति को दिलाता है ना कोई चीज, वो ज्यादा मस्त लगती है बजाय कि हम खुद खरीदते हैं अपने पैसों से। इसी बात पे मेरी चाय बहुत बढ़िया तरीके से कट गई है, चाय पेश करी जाए। लीजिए लीजिए, आपकी चाय आ गई। पार्थ में कल परसों का एग्जाम है। हाँ। कह रहा पहले जोक सुनाओ फिर नहाने जाऊंगा। एग्जाम मैथ्स का है, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा पहले वो जोक सुनाए जो सैटरडे को सुना था पापा से, है ना? जाना नहा ले बेटे, जोक सुनाओ पहले। सुनाओ। ऐसे ही सुना देता हूँ। एक बारी एक वाइफ ना अपने पति को ऐसे करके बुलाती है अपने पास, तो वो आता है, कह रहा हाँ बोलो क्या है। कहती है कुछ नहीं, बस अपनी उंगली की ताकत चेक कर रही थी। लेट मी ऑल्सो ट्राई। यस, उंगली से मैं आता या नहीं आता पीछे आके देख के जरूर आ गया। मैंने इनको उंगली दिखाते हुए आंख मोटी करी कि आ जाओ मेरी बेइज्जती मत करो। गाइस, दाल मखनी, तो आज मैं पूरा मसाला बनाकर फिर दाल नहीं चढ़ा रही हूँ, दाल को अलग से उबाल रही हूँ। ये दाल धो के पानी डाल लिया मैंने, तेज पत्ता, छोटी सी दालचीनी, मैं खड़े मसाले ज़्यादा नहीं डालती हूँ आजकल, थोड़ा सा नमक अभी डाल रही हूँ, थोड़ा बाद में डालूँगी, हल्की सी हल्दी डाल रही हूँ और हींग भी, इसको हम मिसल के लिए रख देते हैं। अब एक हाथ से पकड़ के तो नहीं कर सकती हूँ ना, रख देती हूँ। गाइस, बैक टू किचन। दाल का प्रेशर निकल चुका है और दाल हमारी मस्त बॉईल हो गई है। यस, बहुत सारी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो अपना ASMR जो करना उसके लिए मंगा लिया है, ये सिर्फ घर वालों ने खानी है, पापा तो है नहीं, तो मम्मी के लिए वैसे भी मैं कोई परांठा बनाऊँगी, क्योंकि वो ये नहीं खाती हैं हैवी दाल, मोहित और पार्थ नहीं खाना। तो ये दाल हो गई है बॉयल बढ़िया से। चलो अब हम इसको लगाते हैं तड़का।
लो जी, मसाला हमारा पक गया। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं हमारी दाल, अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और अब हम इसको गड़कने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, इसको बॉयल्स आएंगे, उसके बाद हम बाकी बची हुई चीज़ें डालेंगे। लो जी, देख लेते हैं हम, 3 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल होते हुए। देखो आप, मस्त गाढ़ी हो रही है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं खूब सारा धनिया, मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि धनिया की खुशबू बहुत बढ़िया आती है इस दाल में। धनिया डल गया है, अब बारी है कसूरी मेथी की, ये तो मस्ट है जी। सब कुछ मिक्स कर लें, क्या खुशबू आ रही है दाल मखनी की। ये हो गई है सब कुछ मिक्स, धुएं की वजह से दिखाई दे रहा है कि धीमी आंच पर जब ये दाल पकती है ना, तो जो इसका टेस्ट आता है, आ हा 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 हा। फाइनली हम डालेंगे इसमें दाल मखनी बनाने के लिए इसको थोड़ी सी क्रीम, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी, मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको ढककर 3 मिनट और पकाऊंगी, और उसके बाद हमारी दाल मखनी रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। फिर फुलकों के साथ गर्मा गर्म पेश की जाएगी, तो इसको ढककर 3 मिनट पकाएंगे। सो गाइस, हो गया टाइम, ये देखो, ये रही हमारी दाल मखनी, जो कि कड़ कड़ के मस्त हो गई है, एकदम पूरी रच गई है अच्छी तरह से। अब हम फाइनली इसके ऊपर बड़ी स्लिट करी हुई ग्रीन चिलीज डाल देते हैं, ताकि ये जिसको खानी है वो ले सकता है, जिसको निकालनी है आराम से निकल जाए। अब आप इसको फाइनल गार्निशिंग के लिए, वैसे तो घी में कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का डाल के भी कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर पहले डाल चुकी हूँ, और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती लाल मिर्च, इसलिए हमारे लिए तो ये मस्त रेडी है। आ जाओ, आप भी गर्मा गर्म फुलके खाओ दाल मखनी के साथ। दाल मखनी, दाल मखनी विद मक्खन। हेलो गाइस, तो दोपहर का लंच सबको करा दिया था, इतनी बढ़िया दाल मखनी बनाई थी, लेकिन मैंने कुछ और ही खाया था। मैंने आज मकबैंग किया था अपने चैनल्स के बर्थडे का, और मैंने मंगाई थी पाव भाजी और पाइनएप्पल बटर स्कॉच कैरमल केक, यम्मी था। उसके बाद मैं ज़रा लेट गई हूँ, थोड़ा थक गई हूँ, पेट भी भर गया है। यहाँ पे पुत्र जी बैठे हैं हमारे, पिताजी कहाँ गए आपके पास, पापा कहाँ हैं? दादी हैं, थोड़ा कैमरा घुमाओ। आई ओह, पिताजी भी बैठे हैं। सो गाइस, बारिश लगातार चल रही है, आज 4th डे है, 4th दिन, और यहाँ से मैं लेट कर बाहर देख रही हूँ विंडो में, बारिश का मज़ा ले रही हूँ। अभी थोड़ी देर में उठेंगे, चाय शाय बनाएंगे, पियेंगे। गाइस, इवनिंग टी टाइम, पानी, इलायची, सौंफ, अदरक, हेयर गोज ग्रीन लीव्स, टी लीव्स, एमसी, पानी। हेलो फ्रेंड्स, रात हो गई है, बाहर अंधेरा हो गया और बारिश हो रही है अभी भी। म्यूट करना, क्लियर नहीं है क्या? तो रात हो गई है, क्या टाइम हो गया है, 6:30 शाम हुई है, मतलब बाहर अंधेरा हो गया है और बारिश हो रही है अभी भी। मेरी मेड आई है, बर्तन कर रही है, और मैं रख कर आई हूँ गैस पे डिनर के लिए गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ अभी मैं रात को, और
दोपहर की दाल मखनी भी थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो बस दिन ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। ये रहे आपके जीजू, टीवी देख रहे हैं अपना, और मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने कुछ शॉर्ट्स की, मेरे फूड शॉर्ट्स की। काफ़ी टाइम से नहीं हुई है शॉर्ट्स वाली एडिटिंग, जितने पड़े थे ऑलमोस्ट मैं डाल चुकी हूँ, तो अब मुझे एडिटिंग करनी है और कल के व्लॉग की भी करनी है। आज का व्लॉग मैंने सुबह से एडिट कर रखा है लेकिन पोस्ट नहीं किया, वो उसके थोड़े से एंड में एक्सेसरीज लगानी होती हैं वो रह गई हैं। ऐसे ही होता है मेरे साथ, इस वजह से किसी किसी दिन व्लॉग आना मिस हो जाता है, कभी मैं एडिट नहीं कर पाती, कभी एडिट करके पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो जा रही हूँ मैं, पहले तो मैं आज का व्लॉग पोस्ट कर देती हूँ, आई नो लेट हो गया फिर भी कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग सच में वेट कर रहे होते हैं। सो स्वीट ऑफ यू, आपके लिए जो वेट करते हैं मेरी व्लॉग की। मैं जा रही हूँ व्लॉग डालने और कल का व्लॉग एडिट करने।